मैं हूं आपका होस्ट, आपका दोस्त अब्दुल रहमान। तो कैसे हैं आप सब? तो चलिए भाई, बढ़ते हैं आज की पहली न्यूज की तरफ और बात कर लेते हैं रहीम परदेसी के बारे में। तो यार, जैसा कि मैंने आपको अपनी पिछली वीडियो में बताया था कि रहीम परदेसी पे कुछ लोगों ने 2 दिन पहले अटैक कर दिया था। तो यार, अभी उसी अटैक पे क्लैरिटी देते हुए रहीम परदेसी ने अपने यूट्यूब चैनल पे एक वीडियो अपलोड की, जिसमें उन्होंने बताया कि उनपे अटैक कैसे हुआ। रहीम परदेसी की वो वीडियो मैं आप सबको दिखा देता हूँ, आप सब खुद ही देख लें। मैं बाहर ही खड़ा था, ये अंदर गया था दुकान में, एंड अचानक से वही वाली गाड़ी ऐसे आती है लाइक थोड़े फासले में स्टॉप्ड, और उसमें से अचानक चार लड़के निकलते हैं और दौड़ते हुए मेरे पास आ रहे हैं। सो अगेन आई थॉट के कोई एक्साइटेड, जैसे फैंस नहीं होते, आई थॉट मे बी इट्स लाइक समथिंग लाइक दिस, यू नो। तो जिस तरह वो आ रहे हैं, एंड बाय द टाइम आई रियलाइज, जब वो बिल्कुल करीब आ गए और ऐसे मारने लगे, सो द फर्स्ट गाय बेसिकली केम स्विंगिंग और मैंने उसको ऐसे पकड़ा है। तो जो दूसरा लड़का था, उस आई डोंट नो, उसके हाथ में कोई, जैसे वो नकल डस्टर वगैरह नहीं होता, समथिंग लाइक दिस, इस तरह की कोई चीज़ थी, और उसने मेरे इधर मारा। चार लड़के थे, आई एम श्योर एक ड्राइवर बैठा हुआ था पांचवा गाड़ी के अंदर। सो बहरहाल वो करके वो गाड़ी में गए और भाग गए। मगर मैं जब उठा, मुझे एक दफ़ा लाइक जैसे होता नहीं कि कोई जैसे ख्वाब आ रहा था, यू नो, यू हैव दैट फीलिंग, पता नहीं ख्वाब हुआ, ये मोमेंट हुआ है। मुझे जितनी देर में समझ आए तो एवरीथिंग वाज। तो यार, अगर तो आप सब रहीम परदेसी की ये कंप्लीट वीडियो देखना चाहते हैं तो जाके देख सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलिए भाई, बढ़ते हैं आज की अगली न्यूज की तरफ और बात कर लेते हैं रजत सम्मू के बारे में। तो यार, जैसा कि आप सबको पता होगा, रजत सम्मू रोस्टिंग में अपना कमबैक कर चुके हैं, और रोस्टिंग में कमबैक करने के बाद उन्होंने बैक टू बैक रोस्टिंग के 2 पार्ट्स भी अपलोड कर दिए हैं। तो यार, फाइनली रजत सम्मू ने रोस्टिंग पार्ट 3 की भी अनाउंसमेंट कर दी है। यार, कल रजत सम्मू ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पे एक स्टोरी शेयर की, जहाँ पे उन्होंने बताया कि वो पार्ट 3 में सिस्ट्रोलॉजी को रोस्ट करने वाले हैं। तो यार, मैं तो रजत सम्मू के रोस्टिंग पार्ट 3 वीडियो के लिए काफी ज्यादा एक्साइटेड हूं, और आप सब कितने ज्यादा एक्साइटेड हो कमेंट बॉक्स में लाजमी बताइएगा। तो चलिए भाई, बढ़ते हैं आज की अगली न्यूज की तरफ और बात कर लेते हैं रजब भट्ट के बारे में। तो यार, जैसा कि आप सबको पता होगा, रजब भट्ट एंड अनस अली के बीच बॉक्सिंग मैच होने वाला है, और यार इस न्यूज को मैं अपनी पिछली बहुत सी वीडियोस में कवर भी कर चुका हूं। तो यार, जब से इस बॉक्सिंग मैच की अनाउंसमेंट हुई है, तब से रजब भट्ट को पूरे सोशल मीडिया पे काफी ज्यादा हेट मिल रहा है। रजब भट्ट को काफी ज्यादा लोग हेट दे रहे हैं कि आपने सिर्फ पैसों के लिए ये कंट्रोवर्सी क्रिएट की है। तो यार, उमर भट्ट ने कल अपने टिकटॉक अकाउंट पे एक वीडियो शेयर की, जहां पे उन्होंने रजब भट्ट की इस कंट्रोवर्सी को एक्सपोज कर दिया। उमर भट्ट की वो वीडियो मैं आप सबको दिखा देता हूँ, आप सब खुद ही देख लें। बॉक्सिंग अनाउंस होगी, उसके बाद 1-2 महीने एक दूसरे को ये यू कर देंगे, बॉक्सिंग की ट्रेनिंग होगी, ये होगा वो होगा, क्योंकि मेरे साथ ऑलरेडी ये प्लान बन चुका था इसका, लेकिन मैं एंड टाइम पे कटा गया, मैंने कहा मैंने नहीं करना। उसके बाद हर चीज चलेगी, ट्रेंड चलाएंगे, उसके बाद फिर मैचेस की टिकटें बेचेंगे, फिर लाइव चलाएंगे, जो लाइव पे आना चाहता है वो एक वेबसाइट बनाएंगे, उसके ऊपर लाइव आने के लिए भी 2000 या 1500 या 1100 की टिकट भेज रखेंगे। तो ये सब हो रहा है, तो मैं आप लोगों को यही मशवरा दूंगा कि ध्यान करें, और मेरा जुल्कनैन और रजब को भी यही मशवरा होगा कि भाई तुम लोगों को जरूरत नहीं है। तो यार, उमर भट्ट की इसी वीडियो के बाद तलहा रिव्यूज ने भी एक वीडियो पोस्ट की, जहां पे तलहा रिव्यूज ने अपनी वीडियो में बताया कि रजब भट्ट ने अपने सभी फॉलोअर्स को 3-3 रुपए में बेच दिया। तलहा रिव्यूज की वो वीडियो मैं आप सबको दिखा देता हूँ, आप सब खुद ही देख लें। तो रजब के यहाँ तकरीबन को 1.5 मिलियन फॉलोअर्स, ठीक है, रजब ने लिया है अनस के साथ कोलैब करने का और इस सारे फड्डे को प्री प्लान करने का 50 लाख। 50 लाख को मल्टीप्लाई कर लेना आप उसके साथ, क्या उसको कहते हैं 1.5 मिलियन सब्सक्राइबर्स के साथ, 3-3 रुपए बांध देने एक सब्सक्राइबर दे। देखो, ये सारा कुछ रजब भैया कर रहे थे पैसा कमाने के लिए उसी फैमिली से जिनको ये बोलते हैं रजब फैमिली, ठीक है। मैं तो अंदाजा 3-3 रुपए ये तुझे फेंक गए पैसा। यार, तलहा रिव्यूज एंड उमर भट्ट की इस एक्सपोज के बाद रजब भट्ट को पूरे सोशल मीडिया पे काफी ज्यादा हेट मिलने लगा, जिसके बाद रजब भट्ट ने कल अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पे एक स्टोरी शेयर की, और वो इन सभी हेट्स का क्या रिप्लाई दे रहे हैं आप सब खुद ही देख लें। मेरे खिलाफ जो भी एलिगेशंस लग रही हैं टिकटॉक पे या किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे कि मैंने 50 लाख लिया अनस अली के साथ फाइट के लिए, जुल्कर्ना ने 15 लाख लिया एक वीडियो लगाने का, जिस जगह आप कहते हो, जहां आप कहते हो, कुरान पाक लेके आ जाओ, मैं कुरान पे हाथ रखने के लिए तैयार हूँ। मैं अपनी जिंदा माँ, अपने जिंदा बाप की कसम खाने के लिए तैयार हूँ कि मैंने अनस अली से या उसके किसी यार दोस्त से या उससे रिलेटेड किसी भी बंदे से 1 रुपया नहीं लिया, जुल्कर्ना ने 1 रुपया नहीं लिया, ठीक है। हाँ, अब जो बंदे ये बातें कर रहे हैं ना, इनमें से किसी को भी मैं कभी मिला ही नहीं, ठीक है। सब सिर्फ फेम के भूखे हैं, कोई डेड हो चुका हुआ है, कोई डेड होने वाला है, किसी को हर मसले में टांग अड़ाने की मतलब आदत है बस, ठीक है।
मैं वीडियो बना रहा हूँ सिर्फ अपने फैन पेज के लिए, जो मेरे फैमिली मेंबर ने मेरे लिए पेज बनाए हैं, इतने प्यारे प्यारे एडिट्स में आते हैं ना, उनके लिए वीडियो बना रहा हूँ। जहाँ कहते हो कुरान उठाने को त्यौहार को, मैंने एक रुपया नहीं लिया, ठीक है। हमारी डील क्या हुई है, हमारी जो डील है ना, मोस्ट वैल्यूएबल कंपनी जो ये सारा इवेंट ऑर्गेनाइज करवा रही है, रही बात है एक वर्ल्ड वाइड अवाम ने देखना है, HUFC एक बड़ा इदारा है जहां पर ये बॉक्सिंग होने जा रही है, उसके साथ डील सिर्फ इतनी है कि सारी प्रोडक्शन मेरी और अनस की ही है, ठीक है। जो 1,000-2,000 रुपया फीस रखी हुई है उससे कोई करोड़ों नहीं कमाए जाने, कोई 1,000,000 बंदे ने ये फाइट नहीं देखनी, करोड़ों उससे नहीं कमाए जाने, जो खर्चा होना है वो निकल आना है, दैट्स इट, नथिंग एल्स, इसके अलावा एक रुपया नहीं है, ठीक है। अब मेरे ऊपर तो एलिगेशन लगा लिए, सबकी कोशिश यही है कि रजा फैमिली को गिराओ, मैं पागल कि मैं गुस्से में आ गया, मैंने फाइट एक्सेप्ट कर ली, चुप करके बैठा जाता, जैसे ये चुप करके बैठे रहते हैं तो मैं भी बचा रहता, लेकिन मैंने फाइट एक्सेप्ट कर ली। अब तुम लोग कसम खाओ, तुम लोग कुरान उठाओ कि तुम लोगों ने जो बात किया, जो वीडियो बनाई है कि 50,00,000 मैंने लिया है, क्या श्योरिटी है तुम्हारे पास, तुमने देखा हुआ या कोई प्रूफ है तो सामने करो, क्योंकि रजब फैमिली के कुछ मेंबर्स को शायद ऐसा लग रहा था कि हमारे रजब ने हमें चीट किया, मर जाऊंगा ये काम कभी नहीं करूंगा। जो थोड़ी सी फीस ऊपर रखी हुई है ना टिकट शिकट की, वो सिर्फ प्रोडक्शन निकालने के लिए, एक बड़े लेवल पे निजाम होने जा रहा है उसकी प्रोडक्शन निकालने के लिए है, दैट्स इट। मेरी तरफ से ना देखो, फारिग कराओ, ना देखो, कोई मसला नहीं है, मैं जाऊंगा रिंग में लड़ूंगा, और अपने जो भड़ास है ना, सब कहते हैं चुप करके सुन लो, खैर है, बर्दाश्त करो, जवाब ना दो, जवाब ना दो, नहीं होता बर्दाश्त, इंसान की बस हो जाती है। और हाँ, जिनको लग रहा है ना प्री प्लान्ड है, वो जब रिंग में आएंगे, मैं भी वो भी मेरा नाक तोड़ेगा या वो मैं उसका नाक तोड़ूंगा, कुछ ना कुछ जब होगा ना पता लग जाएगा कि प्री प्लान्ड फाइट इस तरह की नहीं होती, जो प्री प्लान्ड फाइट्स है ना वो इस तरह की नहीं होती। बाकी ये नीलियों पीलियों को मैं इसी तरह अवॉइड करता जिस तरह गाड़ी के पीछे कुत्तों को अवॉइड किया जाता है, सिर्फ आप लोगों के लिए वीडियो। तो यार रजब भट्ट की इसी स्टोरी का रिप्लाई देते हुए तलहा रिव्यूज ने भी एक वीडियो पोस्ट की, और वो क्या कह रहे हैं आप सब खुद ही देख लें। रजब भट्ट ने कसम खा ली है कि यार उसने अनस अली से 50,00,000 नहीं लिया, इसका मतलब है कि मैंने जो उस पे एलिगेशंस लगाई हैं वो सब झूठ था, मैंने ये सारा कुछ व्यूज लेने के लिए किया था। तो आपको क्या लगता है कि ये सारा कुछ फ्री खाते हो रहा है? और हाँ चलो ठीक है, इसने कसम उठा ली यार कि लाइक मैंने पैसे नहीं लिए, क्या ये कुरान पाक पे हाथ रख के ये कसम उठा सकता है कि ये सारा कुछ प्री प्लान नहीं है? और ये भी कि यार मेरा इसमें जो पैसा हमें आएगा उसमें से मैंने कोई कमीशन नहीं लेना, मेरा इसमें कोई हिस्सा नहीं है, या फिर उमर भट्ट भी झूठ बोल रहा है? और अगर ये कसम खा लेता है तो भाई मैं भी कसम खाता हूँ कि मैं पूरी अवाम के सामने आगे माफी मांगूंगा, ठीक है। और हाँ, उमर भट्ट ने जो बातें कही है वो आपके सामने है, उसने इनका सारा प्लान पहले से ही आपको बता दिया यार, और यही हो रहा आपके सामने। अभी आप लोगों को फैमिली तो बोलते हैं लेकिन ये सारा जो प्रोपोगंडा हो रहा है भाई, सामने आके बता दो प्री प्लान है, असल बात तो ये है ना सारी मुद्दे की। और हाँ रजब भाई, जिन लोगों को आप रजब फैमिली बोलते हैं उनका ख्याल करें, ठीक है। आप सब लोग जो है वो फेक प्रमोशंस कर रहे हैं, मैं इस बात पे कसम उठा सकता हूँ, ठीक है, मैं फेस टू फेस आगे बात कर सकता हूँ। तो यार बाकी इस सारी कंट्रोवर्सी पे आप सबका क्या ओपिनियन है, कमेंट बॉक्स में लाजमी बताइएगा। तो चलिए भाई, आज मेरे पास आप सबके लिए इतनी ही न्यूज एंड अपडेट्स थी। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब लाजमी से कीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अल्लाह हाफिज़।